अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोमनाली चैनल। तो जी आज फिर हाजिर है न्यू वीडियो लेकर। आज की वीडियो जो है ना बहुत स्पेशल, बहुत यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आज कोई आ रहा है हमारे घर में। मेरी फरमाइश पर मैंने उनको स्पेशल बुलाया है। तो जी बहुत इंजॉय होगा आज, वो फर्स्ट टाइम मतलब उनकी और मेरी वीडियो बनेगी। आज फर्स्ट टाइम होगा आज का मोमनाली के व्लॉग में, डिफरेंट व्लॉग होगा। तो जी बस थोड़ी देर रह गई है, वो आने वाले हैं, फिर आपको बताती हूँ कि कौन आ रहे हैं और क्यों आए हैं और किस वजह से आए हैं और मैंने उनको क्यों बुलाया है। तो जी बस वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं फिर कौन आया। तो जी हमारे गेस्ट आ चुके हैं, आप चलते हैं बाहर आ जाए। आप कैसी हो? ये हमारी स्पेशल गेस्ट जो सिर्फ मोमनाली चैनल पर अकेली आई है। आज वीडियो बनेगी नंद और भाभी की। क्या सस्पेंस है, क्या सस्पेंस है, अंदर जाके बताते हैं, सबसे मिलते हैं उसके बाद। चले आगे। तो जी आज आई हैं, सुबह मैंने इकरा भाभी को बुलाया, आहत भाई उनको छोड़ के चले गए हैं और आज का पूरा दिन मैं इकरा भाभी के साथ स्पेंड करूंगी, क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को पता है इकरा भाभी की बर्थडे थी, जो इन्होंने प्री बर्थडे की थी और ग्रैंड बर्थडे इन्होंने अभी तक नहीं की। वो एक सस्पेंस है, वो क्यों नहीं की, क्यों नहीं की अभी तक, करनी जरूर है लेकिन किसकी वजह से थोड़ी लेट हो गई है वो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी इकरा भाभी के लिए कुछ स्पेशल करूं, क्योंकि कभी मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ करने के लिए, ना कभी वो मुझे छोटा समझते हैं, कहते तुम मुझे कुछ भी ना दो, कुछ ऐसा ना करो, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। हाँ, फिर वो करना, छोटी है, सबसे छोटी है, सबकी लाडली, फिर नहीं अच्छा लगता। तो फिर मैंने सोचा कि इस साल तो कुछ किया जाए इकरा भाभी के लिए, कुछ स्पेशल किया जाए। तो बस आज पूरा दिन इकरा भाभी का स्पेंड करेंगे हम और इकरा भाभी को ढेर सारे सरप्राइजेस मिलेंगे आज और बहुत इंजॉय होगा आज की वीडियो में। और आज की वीडियो आप लोगों को लगे ये सबसे हटकर आज की वीडियो है नंद और भाभी की। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। फर्स्ट टाइम मैं अपनी भाभी के साथ वीडियो बनाने लगी हूँ, नंद और भाभी की वीडियो। तो बस अब सुबह टाइम है, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं इकरा भाभी का स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाऊंगी जो खाती होती हैं। और सब सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे आ गई हूँ उठकर, कि मैं ऐसे क्यों आई हूँ, मैं ऐसे नहीं है, मेरे हाथ में दूसरा बैग भी था, बहुत दूर का सफर था गाड़ी में, और फिर आपको पता है कि रोड्स का भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से मैंने कहा कि मैं कपड़े साथ लेकर, मैंने कहा था, मैंने कहा ड्रेस चेंज कर लेना क्योंकि बाहर वगैरह जाना, फिर इसलिए पूरा दिन अजीब हो जाए, स्पेशल डे बनाना ना मेरा, तो इसलिए स्पेशल स्पेशल फील करवाना। यस, तो बस जी अब हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं, जो स्टोरीज में अक्सर आप लोग इतना देखते हैं, और अपना इंस्टा भी फॉलो करवाए। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, अभी ग्राहक ऑफिशियल को जल्दी से जाकर पढ़ा करें, मेंशन हो जाएगा। हाँ जी, तो बहुत जबरदस्त स्टोरीज होती हैं इनकी। तो बस जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं बनाती हूँ जाके उनके लिए और फिर बस इंजॉय। आज भाभी करेगी रेस्ट और नंद करेगी। आज मुझे मौका मिला अपनी इकरा भाभी की खिदमत करने का। जब भी मैं जाती हूँ ना, मेरी दोनों भाभियाँ मेरे लिए इतना काम करती हैं पूरा दिन। कोई बात नहीं, मुझे ना थोड़ा मजा आता जब भी आती है ना, हमारी तो ईद हुई होती है, मुझे थोड़ा नींद भी नहीं आती, अजीब लगता है, मुझे कुछ नहीं करने देती, नहीं तुमने नहीं करना, तुम बैठी रहो। तो आज फाइनली मुझे मौका मिला, इकरा भाभी बैठेंगी और मैं करूंगी काम सारे, थोड़ी थोड़ी हेल्प करवाऊंगी ना। नहीं नहीं नहीं, देखा नहीं जाता ना ऐसे, फिर नहीं कुछ नहीं करना। अब जी यहाँ पर मैं इकरा भाभी के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, जो वो हमेशा खाती हैं, शामी कबाब सैंडविचेस, और अली ब्रेकफास्ट भी लेने गई है, मैं और भी चीज़ें खाएंगी क्योंकि कोई और भी है साथ, वो आपको टेबल पर दिखाऊंगी कौन है। हलवा पूरी वगैरह लेने गई है मैं, कुलचे चने, और इकरा भाभी चने लाई थी क्योंकि अली ने कहा था मैंने चने खाने हैं, और मैंने भी कहा था वहाँ से हमने चने खाने हैं जो खाते हैं हमेशा। इकरा भाभी चने लाई हुई हैं और अली कुलचे लेने गई हैं, तो बस टेबल पर मिलते हैं हम जल्दी जल्दी, सैंडविच रेडी कर लें, देखते हैं इकरा भाभी को मेरे हाथ के सैंडविच पसंद आते हैं या नहीं आते। सैंडविचेस रेडी है, अब देते हैं हम चिकन टिक्की मंगवाई है, और ये वाले चने जो है ना इकरा भाभी लाई है, जो अली और मुझे बहुत पसंद है, अली भाई के मोस्ट फेवरेट चने हैं, जब भी आते हैं ना अली भाई को हम लाजमी उनके लिए स्पेशल ये चने मंगवाते हैं। चले हम सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और इकरा भाभी सैंडविच टेस्ट करके बताए कैसे बने। अच्छा आपको मैं देती हूँ, पसंद आ जाए क्या यम, बहुत मजे बने, सही सीरियसली कसम से बहुत मजे, झूठ नहीं बोलना, बहुत मजे बने। कभी पहला भी कह दिया करो, मेरे सैंडविच ना सबको बहुत पसंद आते हैं, बहुत पसंद है, बहुत मजे बने, दिखाया फिर
फुल शामी कबाब का हर घर का टेस्ट डिफरेंट होता है, बाकी बहुत डिलीशियस बने हुए हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। अब फुल होके खाना, पेट भर के इजी होके खाना। ओके अच्छा तो रेस को क्या दूं? पास तो करो फिर ही खाऊंगा। क्या तुम पूरी दोगे टिक्की? पहले टिक्की दे दो। ओके अब यहाँ पे बन रहा है स्पेशल इकरा भाभी का सुकून और हम सब का सुकून बन रहा है यहाँ पे। और स्पेशल इकरा भाभी ने कहा है मुझे बड़े कप में चाहिए, तो ब्लैक वाला इकरा भाभी का होगा स्पेशल। सबसे सुना हुआ घर में कि मोमना की हाथ की जो चाय होती है ना वो बहुत मजे की होती है। अच्छा पी भी तो थी लास्ट ईयर जब आई थी, उस टाइम मुझे इतना कोई आइडिया नहीं था, लेकिन आज स्पेशल मैं पीऊंगी चाय और फिर बताऊंगी। क्योंकि मोमना के जो ब्रदर्स हैं आहद, बाबर भाई, गुरेश, सब मामा, इवन के पापा भी यही कहते हैं कि मोमना जैसी चाय नहीं तो बना सकता। तो आज देखते हैं जी, चाय की तो मैं वैसे बड़ी शौकीन हूँ। अब देखते हैं, अब हम पी रहे हैं सुकून। और कैसा बना सुकून? बहुत मजे का सुकून है और मुझे नींद आने लगी है, लिटरली नींद आ रही है। बहुत जबरदस्त है, ऐसा है दिमागी सुकून मिला ये। इकरा भाभी मेरे पे यहाँ खाली चाय नहीं पीती, साथ कुछ ना कुछ लाजमी होता है, बिस्किट ये तो है, इसलिए मैंने कहा चलो इकरा भाभी इंजॉय करें। यहाँ से आज इकरा भाभी का स्पेशल डे है और बहुत से सरप्राइजेस हैं जो इकरा भाभी को खुद भी नहीं पता कि क्या क्या होने आज। बताती हैं साथ से थोड़ी तसल्ली होती है, मुझे हर टाइम में कोई ना कोई शॉकिंग न्यूज मिल रही है। बस अब ब्रेकफास्ट के वो करो जी, ब्रेकफास्ट के बाद बताते हैं कि इकरा भाभी ने क्या करना है। चलें जी, अब टाइम आ गया है एक और सरप्राइज का। तो इकरा भाभी ने आउटफिट चेंज कर लिया है, अभी मैं भी करूंगी। हाँ जी, अभी सबसे पहले इकरा भाभी को मेकअप करते हैं, क्योंकि इकरा भाभी ने क्या मोमना तुम खुद मुझे मेकअप करो। मैंने इतनी वीडियोस में मोमना को देखा मेकअप करते हुए, तो मैंने कहा अच्छा मामा कभी मेरा मुझे मौका मिला ना तो मैं मोमना से ना मेकअप लाजमी करवाऊंगी, क्योंकि काफी ना वो फ्रेश लुक आती है। तो मैं चलो मोमना आज तुम मेरा मेकअप करो, आज दिल नहीं करा। वैसे मैं फर्स्ट टाइम इकरा भाभी को करने लगी हूँ, वैसे तो आयशा को करती हूँ, आप लोग बहुत पसंद करते हैं। अब इकरा भाभी का देखे क्या होता है, स्पेशल फील करवा रही है तो फिर प्रॉपर तरीके से स्पेशल फील। थोड़ी मैं कंफ्यूज हूँ वैसे, क्योंकि इकरा भाभी खुद इतना अच्छा मेकअप करती हैं। चलें ट्राई करते हैं। तो बस जी, यहाँ इकरा भाभी का मेकअप हो रहा है, अब आपको लास्ट में दिखाऊंगी फाइनल पे कैसा मेकअप हो गई है। अब बाकी का काम लास्ट करते हैं जी शुरू। चलें जी, इकरा भाभी का मेकअप हो चुका है, मेरा भी मेकअप डन हो चुका है, बस बाहर रह गए। अब बारी आती है इकरा भाभी के हेयर स्टाइल की, क्योंकि इकरा भाभी को कर्ल्स का इतना शौक है, इतना शौक है। वो मुझे कहती होती थी अक्सर, कभी भी मौका मिला ना मैंने मोमना तुमसे कर्ल्स करवाने, तो आज फाइनली मौका मिला है। अभी इकरा भाभी की आपको लुक नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले इकरा भाभी को हम कर्ल्स डालते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। माशाल्लाह बाल लंबे हैं, देखते कैसे पड़ते हैं। बिस्मिल्लाह, देखते हैं इकरा भाभी का कर्ल कैसा पड़ता है। ओहो हो, क्या बात है, जबरदस्त। चलें सारे कंप्लीट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, इकरा भाभी के कर्ल्स भी हो गए हैं, थोड़ा सा हम इनको लूज लूज कर रहे हैं ताकि ना थोड़ी सी शेप आ जाए। अब इकरा भाभी आपको टर्न होके दिखाएंगी, 3, 2, 1। ये देखिए जी, इकरा भाभी को हमारी अभी थोड़े से कर्ल सेट करते हैं, जरा इसको सेटिंग वगैरह करते हैं। जिस तरह आप सब कह रहे थे अपनी लुक चेंज करो, लुक चेंज करो इकरा, और देखेंगे मोमना ने कितनी खूबसूरत मेरी लुक बना दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इकरा भाभी को बहुत शौक था कर्ल्स करने का, और ऐसे कर्ल्स नहीं डलते थे क्योंकि मेरे पास स्ट्रेटनर था, कर्लर नहीं था। तो मोमना कहती थी भाभी आप जब आएंगे मैं लाजमी कर्लर करूंगा, मैं जाते कर्लर लूंगी सबसे पहले। ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इकरा भाभी का मेकअप कैसा लग रहा है और कर्ल कैसे लग रहे हैं? और आज हम दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना, क्योंकि इकरा भाभी कहती मैंने ब्लैक पहना तो आप भी ब्लैक पहना। मैंने निकाल के मैंने मम्मा आज आप भी ब्लैक कर लो। yes. जो है ना नंद वर्सेस भाभी कॉम्बो, और फिर हम चलते हैं बाहर। बाहर चलते हैं फिर हम। चलें ये बाहर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे सस्पेंस खत्म करते हैं। आज हम बाहर जा रहे हैं इकरा भाभी को शॉपिंग करवाने के लिए। इकरा भाभी अपनी पसंद से शॉपिंग करेंगे, जो जो उनकी फेवरेट चीजें हैं वो आपको वहाँ पता चलेगा कि इकरा भाभी का फेवरेट क्या क्या। जो इंस्टा देखता है उनको तो पता ही होगा इनका फेवरेट क्या क्या है। लेकिन अब मेरे साथ जाएंगी इकरा भाभी अपनी पसंद से जो जो शॉपिंग करेंगी। ये बहुत मुश्किल काम है यार, छोटी सी है, मैं से क्या करूंगी, मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं, अब हम चलते हैं शॉपिंग पर, जल्दी आए वरना शाम हो जाएगी। चलें शॉपिंग से पहले एक और काम है, वो पहले पूरा करना है। पहले वो पूरा करना है, वो फिर जाके बताती हूँ वो क्या काम है, वो काम मुझे पूरा करना है। यस, वो मैं आपको जाकर बताती हूं। पहले थोड़े बाल सेटिंग करने हम चले। मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि लुक मेरी कैसी लग रही है, डिफरेंट लुक की है मोमना ने, लाजमी 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 कमेंट्स कीजिएगा मुझे। ओके
चलें जी अब हम जा रहे हैं शॉपिंग पे और इकरा भाभी और मैं पीछे बैठे हैं और यहाँ पर गुलरेज है। गुलरेज ने अपने टिकटॉक बनाने हैं, वो कहते हैं पहले आईफल टावर चलो। और यहाँ पे अली भी हैं, बस शाम होने वाली है, हमारी इंसल्ट हो रही है, बहुत टाइम लगा है इन्होंने, बहुत कर्ल्स पे टाइम लग गया ना मेरा, बहुत दिल था कि मेरा जो है ना मेकअप में कर्ल्स राज में ऐड हूं। तो आज ख्वाहिश पूरी होगी क्या भाभी की। और अनमोल भी, अनमोल ने भी कहा मैंने आईफल टावर जाना है। और अनमोल ने कौन सी शर्ट पहनी है, किसने दिया ये? मामी ने। ये मामी लेके आई है, अनमोल ने यही पहन लिया, नानो ने भेजिया आपके लिए, अच्छी लगी आपको? हाँ जी। तो हम आए हुए हैं आईफल टावर और यहाँ पर अली, अनमोल और गुलरेज जो है वो पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, बस शाम हो गई, यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है आईफल टावर, अनमोल का भी हो रहा है, ये देखें। चले जी सबसे पहले हम आए हैं निशात किचन पे, निशात से आज इकरा भाभी को कुछ लेकर देंगे। अगर आप लोग कहेंगे निशात भी आते रहते यहाँ पे, निशात भी आता हम इसलिए यहीं पे आते हैं ज्यादा, और जगह नहीं आ जाते जी। यहाँ पर हम आउटफिट्स देख रहे हैं क्योंकि इकरा भाभी जो है वो अनस्टिच पहनती हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि अनस्टिच ही देंगे। अभी डिसाइड कर रहे हैं क्या लेना है हमने, फाइनली बहुत टाइम बाद हमने सेलेक्ट किया कि क्या लेना है, क्योंकि इकरा भाभी बहुत कंफ्यूज हो गई है कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या लेना है। क्योंकि जहाँ पर बात आ जाती है ना गिफ्ट देने की, वो बंदा चूज कर ले, लेकिन जब होता है ना कि आपने खुद चूज करना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फाइनली हम सब ने चारों ने मिलकर डिसाइड किया, तो बहुत प्यारा कलर लिया है, फिर आपको बाद में हम दिखाएंगे। आपको पता है आपको बहुत शौक से देखते हैं, आपकी बर्थडे की वीडियो डेली देखती है मैं, रोज उसकी वीडियोस मैंने हैप्पी बर्थडे की उसकी जितनी भी वीडियोस है ना वन ईयर टू ईयर की डेली बैठ के देखती है। शॉपिंग हो गई बहुत मुश्किल है चूज करना यार, बहुत मुश्किल। अब हम चलते हैं कहीं और आ जाए, वो भी बहुत मुश्किल होगा लगता है। अब हम आए हैं स्टाइलो पर, फाइनली बहरिया में स्टाइल ओपन हो गया और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। मेरी ख्वाहिश थी कि बहरिया में स्टाइल ओपन हो, बहुत खूबसूरत ओपन हुआ, देखिए कितना बड़ा ग्रैंड ओपनिंग हुई है। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या इकरा भाभी को हम लेकर देते हैं। अब भी यहाँ पर हम बैग्स की, तो वैसे ही मैं बहुत बड़ी डाई हार्ड फैन हूँ, हर कलर इनके पास है, लेकिन जो मैं लेके जा रही हूँ वो कलर नहीं है, वो कलर नहीं है। आपके लिए सरप्राइज होगा, लेकिन जो चीज हम लेना चाहते हैं वो भी पसंद नहीं आ रही, वो कहीं और जाके लेते हैं। लेकिन भाभी को फुटवेयर में कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है मैं भी फोर्स नहीं करती, जैसे आपके जो चीजें नहीं है कैसे मैं पूछ रही हूँ। हम जेदी पर आए हैं कुछ जूस वगैरह पीने, क्योंकि प्यास लगती है रेस को भी सबको, तभी अभी डिसाइड करती है कौन सा जूस पीना है। इसने कौन सा पीना है? रेड अनार। रेड अनार। ओके अली आपने भी प्यास लगी है? अली मैंने भी रेड अनार। अनार अनार मिक्स अनार। मिक्स अनार। मैं आइसक्रीम शेक। आइसक्रीम शेक। आइसक्रीम शेक। क्योंकि अनार में सभी ये खट्टे होते हैं, मुझे खट्टी चीजें नहीं पसंद। इकरा भाभी को खट्टी चीजें नहीं पसंद, मैंने सोचा था गोलगप्पे खिलाऊंगी लेकिन उनको पसंद नहीं है। चले फिर शेक पीना। ये ले जी इकरा भाभी आपका आइसक्रीम शेक, ये गुलरेज का जूस, ये अली का जूस, डेकोरेशन इसकी डेकोरेशन देख के पीने को मोमना में देखेगी। अच्छा और मोमना आप क्या खाएंगी? गोलगप्पा। इकरा भाभी खट्टा नहीं पीती, तो मैंने सोचा इस मीठे पानी से इकरा भाभी को खिलाया जाए, ध्यान से बड़ा सा मुंह खोलना पड़ेगा। चलो नहीं ना खट्टा ठीक है, चलो फिर खाएं। इकरा भाभी को पसंद आ गया, गुलरेज को कैसे लगे हैं? चले जी अब जो शॉपिंग की है इकरा भाभी ने वो आपको दिखाती है, फिर दिखाइएगा। सबसे पहले मोमना ने जो मुझे प्रेजेंट लेके दिया वो है ये ड्रेस, और लिटरली मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, इन्होंने मुझसे पूछा भाभी आप स्टिच पहनेंगे कि अनस्टिच, क्योंकि उनको पता है कि मैं खुद से डिजाइनिंग करवाती हूँ मामा से, स्टिच नहीं पहनती मैं, स्टिच नहीं पहनती तो ज्यादा ओपन ना करें ना थोड़ा सा दिखाना। ये देखे ये ब्लैक कलर की सलवार है, ये शर्ट है, ये साथ एम्ब्रॉयडरी पैचेस है साथ, और साथ ये शॉल है, बहुत प्यारा सूट है,
फिर अभी स्टिच करवाएंगी ना और पहनेंगी फिर आप देखेंगी। और स्टाइलस जो मैंने लिया है मैचिंग जो के मुझे बहुत पसंद है वो है जी ये हैंड बैग। वैसे यार कितना प्यारा मैच हुआ है सर इसी के साथ है। बहुत प्रिटी है, बहुत प्यारा। इतना भाभी को बैग्स का इतना शौक है, हर कलर का उनके पास बैग है, लेकिन कहते थे ब्राउन वाला नहीं है, मैंने सोचा चले ब्राउन ले देते हैं और थोड़ा डिफरेंट लेके देते हैं, क्योंकि इतना भाभी दूसरे बैग बहुत पहनती है, शोल्डर पास बड़े बैग बड़े बड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि भाभी मिनी बैग ले वो ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा डिफरेंट लगेगा। इसके साथ छोटा सा ये भी बना हुआ है, पैसे वगैरह बहुत प्यारा, बहुत डिसेंट लग रहा है। थैंक यू सो मच मोमना, वही बात, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो फुटवेयर की रह गई थी ना नहीं मिल सकी, इनको मुझे अच्छी नहीं लगी, जो पसंद आई है ना बहुत जल्द उनको देंगे हम। हाँ वो मोमना को मैंने कह दिया, वो खुद ही कह रही थी बाद में आऊंगी ना, फिर मैं बर्थडे पे ले आऊंगी, बर्थडे पे ले आऊंगी, उधर गिफ्ट दे दूंगी उनको। सो थैंक यू बच्चा, आज का दिन कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय। लास्ट प्राइस ओवर है वो आपको बिठाया के पता चले थोड़ी देर में पता चला। अच्छा अब यहाँ पे मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं, आप लोग सोचते होंगे कि आप तुम्हारी दो भाभी हैं तुम उनके साथ भी बनाती है ऐसे ऐसे ऐसे, तुम इकरा के साथ ज्यादा बनाती है उसके साथ नहीं आती, तो बहुत जल्द जैसे मैंने इकरा भाभी के साथ बनाया है ना अपना डे आउट ही समझ लें जो बर्थडे जो भी है, तो साहिबा भाभी के साथ भी बहुत जल्द डे आउट बनाऊंगी। उनके ना बच्चे हैं तो हाँ। मुश्किल होता है उनको आना, डिफिकल्ट है, बच्चे तंग बहुत करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब भी फ्री होंगी वो जब भी हमें मौका मिलेगा बहुत जल्द साहिबा भाभी के साथ बनाऊंगी। और आपने कहा था उनकी बर्थडे पे भी नहीं आना, बर्थडे पे तब मेरी तबीयत बहुत खराब थी इसलिए मैं नहीं आ सकती थी, ये मेरी बर्थडे पे भी नहीं आ रही थी, मैंने डिले कर दी, मैंने कहा आप ठीक हो जाओ तो फिर बर्थडे ना सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मैंने इनकी खातिर अपनी बर्थडे डिले कर दी, तो कोई मसला नहीं डिले हो जाए इट्स ओके, लेकिन आप आना, एक फैमिली गेट टुगेदर अच्छा लगता है ना। टाइम इन्होंने इसलिए आगे किया क्योंकि थोड़ा मतलब जो हमारे वीक्स है ना बिजी वीक्स थे, इस वजह से थोड़ा आगे कर दिया, तो बस अब सरप्राइज एक और मिलेगा आपको थोड़ी देर के बाद। चलें जी अब हो गई है शाम और अब हम जा रहे हैं डिनर पर, आज हम डिनर बाहर करेंगे और हमें ज्वाइन किया है गुलरेज ने सुबह से किया है और साथ अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? आज तो फुल एंजॉय किया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया मैंने। चलो अब वीडियो में पता लगेगा, वैसे अभी तो पता नहीं लगेगा। इतनी बड़ी फील लाइक अ प्रिंसेस मोमना ने फील करवाया। बस आज भाई इकरा अभी तो लेने आया था, हमने कहा चलो सब डिनर पे चलते हैं उसके बाद घर चले जाए, अभी बाहर जाके देखते हैं कुछ। चलें जी अब हम आए हैं बुंदू खान पर, क्योंकि इकरा भाभी चाहती थी बुंदू खान पे कुछ खाते हैं और राहत भाई भी, सबने कहा बुंदू खान जाना, चलो बुंदू खान चलते हैं, क्योंकि आज इनकी जो मतलब जो इकरा भाभी कह रही है वही पूरा आज का दिन इकरा भाभी लग रहा है दिन खत्म ही ना हो। चले चले जी मैडम आज इकरा भाभी मैडम के साथ एक और मैडम और टीम की सर भी है, तो जरा हेल्प करवा दे क्या मतलब आपको किस टाइप का चाइनीज देसी लोग हैं चाइनीज की बात रहते हैं। अब जी डिसाइड हो गया तकरीबन 10-15 मिनट लगे डिसाइड करने में क्या क्या खाना है। अब आहत भाई ऑर्डर कर रहे हैं और इकरा भाभी कहती मैंने नहीं करना, आहत कर दिया यहाँ पे आ गया करते हैं हॉट एंड सोर सिंगल सर्विंग एक फिंगर फिश कर दें। चलें जी डिनर हमारा आज का ज़बरदस्त, देखते सब कुछ है और इकरा भाभी और मैं सूप लेंगे, बस ये बॉयज में पियेंगे हम दोनों पियेंगे, ठीक है चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं खाना खाते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करें जी। इकरा भाभी आप सूप पियेंगी पहले? ओके चलें सूप पिए, अनमोल फ्राइज खा रही है, चलें बिस्मिल्लाह करें, ग्रेट स्टोरीज बनाने में बिजी है। डिनर सबने कर लिया, अब सबसे पूछते हैं कि सबको कैसा लगा डिनर करके, आज हमने फर्स्ट टाइम करते बैठ के डिनर किया, इकरा भाभी कैसा लगा? सबसे पहले बहुत मज़ा आया और मेरा का किसी तरह अली भाई की जो है बहुत ज़्यादा बर्गर डाले और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, गेट टुगेदर का वाकई बहुत मज़ा, खाना टेस्टी था, हाँ सारा दिन बहुत अच्छा हमने स्पेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया, दोनों कपल को बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह पाक दोनों की कमाई में बहुत ज़्यादा इजाफा करे, अल्लाह पाक ऐसे इन दोनों को सेहत नसी दे और मेरी बहन को भी अल्लाह पाक सेहत नसी दे, और खाने का बहुत ही मज़ा आया, बहुत देर बाद जो है ना मेन जो चीज़ है ना हम गेट टुगेदर हुए हैं जिसमें बहुत मज़ा आया, शादी के बाद ये मेरा बेस्ट मोमेंट है, जो कि बहुत ही मेमोरेबल होगा, बहुत सारी मेमोरीज भी कटी थी मोमना और अली भाई के साथ, बहुत मज़ा आया और
मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं न्यूली वेड हूँ. नई नई शादी हुई है. मीठे में क्या खाना? मीठे में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, बस चाय पीऊंगी. ऐसा है कि अनमोल के जो मामू है ना, हद मामू, अनमोल के लिए केक लेकर आए थे और हमने सोचा कल अनमोल की बर्थडे है तो रात के 12 बज गए, अनमोल का केक कट करते हैं. ठीक है, चलें अनमोल केक कट करें. हर साल हम रात के 12 बजे अनमोल की बर्थडे करते हैं. ग्रैंड तो होती है लेकिन प्री बर्थडे लाजमी होती है. अभी हर साल केक पे कराते हैं. आज आप भेज ले आए हैं. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. बहुत जल्द ग्रैंड बर्थडे आने वाली है. बहुत एक्साइटेड है ग्रैंड बर्थडे के लिए. सब एक्साइटेड हैं. ऐसे हाथ से खिला दो, स्टोरी बना लो. आज तो बहुत जल्द अनमोल स्कूल भी जाएगी. आप लोग कहते हैं अनमोल को स्कूल नहीं भेजते, तो बहुत जल्द जाएगी. और एक और बात, यहाँ पे इकरा भाभी और अनमोल की सेम मंथ में बर्थडे आती है. इनका स्टार भी सेम ही है. गुस्से वाले हैं दोनों. गुस्सा भी आता है. जिद्दी है हम. चलिए अब हम केक एंजॉय करते हैं. फ्रेंड जी, अब यहाँ पे इकरा भाभी और राहत भाई चाय पी रहे हैं. आप कहते हैं हमें चाय पिला दो जरा, सफर में जाना. तो बस इधर ही हम अपनी आज की वीडियो का एंड करते हैं. बहुत लॉन्ग वीडियो हुई और बहुत मजा आया मुझे. बहुत 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 ज्यादा मजा आया. इनको तो सारा दिन बहुत मजा आया. वैसे मैंने देखा नहीं, लेकिन जितना मैंने टाइम स्पेंड किया है बहुत मजा आया माशाल्लाह. आई होप आप सबको भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लाजमी बताना कि इकरा भाभी के साथ मेरी वीडियो कैसी थी. नंद और भाभी का फर्स्ट टाइम डे आउट हुआ और बहुत मजा आया. तो बस ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. आयशा मुन्ना चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारा इंस्टा फॉलो करें. इकरा भाभी का भी इंस्टा फॉलो करें. इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.